Hi everyone, this is Mansi from evnyadi.in. Now, exercise 13.2 start karne se pehle, there are some laws of exponents jinko samajhte hain. The first one is for multiplication. Now, let's suppose, agar aapke paas do hain, do numbers hain, jisme se base unka same hai, lekin jo unki powers hain, wo different hai. Jaise ki, for example, A की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n. अब यहाँ पे बेस तो सेम है लेकिन एक की पावर m है एक की पावर n है. सो इसको पूरा सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट इट विल बी a की पावर m प्लस n. ठीक है, अब इसे नंबर में देखते हैं. लेट्स सपोज एग्जांपल दिया मैंने 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2. ठीक है, अब आइडियल केस में आप क्या करोगे, 3 को 4 बार लिखोगे, फिर 3 को 2 बार लिखोगे, पूरा देखोगे कितनी बार आ रहे. बट इसको अगर मैं डायरेक्ट करूं सो ये हो गया 3, दोनों सेम है क्योंकि बेस और पावर्स जो अलग है वो ऐड होंगी. सो 4 प्लस 2, सो ये हो गया 3 की पावर 4 प्लस 2 इज 6. मींस क्या आया आपके पास, 3 की पावर 6. अब ये तो हो गया शॉर्टकट कि हमने ये वाला लॉ यूज करके ये लिख दिया. अगर आप इसे एक्सपैंड भी करोगे सो देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं. सो 3 को 4 टाइम्स, सो 1 2 3 4, उसके बाद 3 को 2 टाइम्स, सो 1 2. ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6. अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 6. सो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ये भी 3 की पावर 6 है, ये भी 3 की पावर 6 है. तो जब शॉर्टकट में है तो क्यों हम इतना लॉन्ग कट करें. सो दिस इज अ लॉ कि अगर बेस सेम है सो पावर्स ऐड हो जाती हैं. फाइन, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लॉ. नाउ सेकेंड लॉ इज अबाउट डिवीजन. सो यही सेम चीज अगर डिवीजन में है सो लेट्स सी क्या होगा. नाउ अगेन वी आर टेकिंग द सेम सिचुएशन कि बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है. सो इसमें पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं. जैसे कि अगर आपके पास है ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, सो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन. ठीक है, सो ये हमारा लॉ है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2. ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे हम, दिस विल बी 2, 4 माइनस 2 विच विल बी 2 की पावर 2. अगेन अगर हम इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं सो अगर 2 की पावर 4 डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से सो ये होगा 2 की पावर 4 इज 1, 2, 3, 4 टाइम्स लिख दिया अपॉन 2 की पावर 2. सो 2 को 2 बार लिख दिया. नाउ लेट्स कट दिस, ये कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 2 की पावर 2 जो कि यहाँ पे हमारा आ गया था. सो हमारा सेकेंड लॉ हो गया, अगर डिवीजन हो रही है और सेम बेस है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं. ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड लॉ था. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लॉ. नाउ कमिंग टू द थर्ड पावर. थर्ड पावर सेज अगर हमारे पास है पावर ऑफ पावर, मीन्स लेट्स राइट इट एज अगर है ए की पावर एम, ठीक है, एंड उस पूरे की पावर एन. सो इसमें क्या होता है, बेस एज इट इज रहेगा, एम और एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस विल बी एम इनटू एन. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 का क्यूब और उसका पूरे का स्क्वायर, मींस 4 की पावर 3 फिर इस पूरे की पावर 2. Now see, अब इस फॉर्मूले के से तुम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 एंड 3 इंटू 2 इज 6, ऐसे ही होगा. अब अगर वैसे आप करते इसको एक्सपैंड करते सो 4 की पावर 3 का स्क्वायर है, मींस 4 की पावर 3 को 2 बार लिखना पड़ता. स्क्वायर का मतलब यही है ना कि अंदर जो है वो 2 बार लिखो गया. ना 4 की पावर 3 इज 1, 2, 3, 4 तीन बार आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 अगेन, सो 1, 2, 3. अब अगर हम काउंट करें सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स 4 की पावर 6 आ गई.
वही सेम इस लॉ की हेल्प से यहाँ पे एक स्टेप में हो गया था, ठीक है। सो थर्ड इज पावर ऑफ पावर विल बी मल्टीप्लाइड, मींस पावर को मल्टीप्लाई कर देगी। नाउ लेट्स कम टू दी फोर्थ लॉ। नाउ टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट लॉ, अब इसमें क्या होगा, अगेन इस लॉ में हम फिर से मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, बट दी ओनली डिफरेंस इज पहले हमने क्या लिया था कि बेस सेम है, अब हम ले रहे हैं अगर बेस डिफरेंट होंगे और पावर सेम होगी, मीन्स कि बेस अलग है पावर सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर है ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m, अब बेस क्या है a और b अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की m है, सो बेस अलग है पावर सेम है, सो इसमें क्या करते हैं जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो पावर है उसको एक बार लिख दो, ठीक है ना। जैसे कि अगर है 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, सो अब हमें क्या करना है बेस को मल्टीप्लाई करना है, सो 5 टू जा 10 एंड 2 की पावर दोनों में सेम है सो इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब अगेन ये तो हमारे लॉ की तरह हो गया, अगर हम इसे वैसे सॉल्व करते सो इट वुड हैव बीन 5 into 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, ऐसे ही होता 5 को दो बार लिखते 2 को दो बार लिखते। अब इसके अगर मैं पेयर्स बनाऊं 5 टू जा 10 5 टू जा 10 अगेन, सो ये हो गया 10 into 10 विच इज 10 स्क्वायर, और ये तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो फोर्थ लॉ सेज कि अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर जो है वो एक बार लिख दो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ लॉ। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट लॉ। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ लॉ, नाउ अगेन फिफ्थ लॉ डिपेंड करेगा डिवीजन पे, एंड अगर हम सेम चीजें लेते हैं जैसे कि जो बेस है वो डिफरेंट होगा, जो पावर्स हैं अगर वो सेम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ए की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, अब इसमें बेस अलग है लेकिन पावर्स सेम है, सो क्या होगा, जैसे मल्टीप्लीकेशन में था कि बेस दोनों अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई कर दो एक पावर लिख दो, सिमिलरली a और b को डिवाइड कर दो और पावर सेम कर दो। सो इसका फिर से अभी इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, सो 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, अगेन बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, सो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 की पावर 2, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, सो अगर इसको सॉल्व करके देखना है सो वी कैन राइट इट एज 4 into 4, ठीक है 4 की पावर 2 है अपॉन 2 into 2, ऐसे ही होगा ना, सो ये हो जाएगा 4, इसे डिवाइड करेंगे 2 1 2, दिस विल बी 2 एंड देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 4, ठीक है ना। अब आप सोचोगे यहाँ तो 4 आंसर आ रहा है, इसमें 4 अपॉन 2 का स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा, पहली बात तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जो 4 अपॉन 2 का स्क्वायर है सो 2 और 4 कट भी तो जाएंगे, सो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और वही यहाँ पे आया है, सो दिस मींस इस लॉ की हेल्प से अगर आपके पास बेस डिफरेंट है पावर सेम है सो वो जो बेस है उनको डिवाइड कर दो और जो पावर है वो लिख दो। सो ये सारे लॉस थे एक्सपोनेंट्स के, इनको हम आगे वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें यूज करेंगे, इनकी हेल्प से हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। वन लास्ट थिंग आई वांट टू मेंशन इज अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, लेट सपोज ए की पावर 0 है सो वो हमारा इक्वल्स जो होता है 1, ठीक है। बहुत लोग ये गलती करते हैं ए की पावर 0 है तो वो 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, इट कैन बी 2 की पावर 0 दैट विल बी 1, 3 की पावर 0 दैट विल बी 1, इवन 100 की 1000 की पावर 0 विल आल्सो बी 1, सो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन बिफोर एक्सरसाइज 13.2, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 13.2।